बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला नबील करीम। 15 जुलाई 2018 आज हद मामूल कुरान की आयत पढ़ी जाएगी और उसके बाद उसकी तफसीर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकाइम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्ज़ि यमुर्रून अलैहा व हुम अनहा मुअरिज़ून। सूरा यूसुफ चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 105। और आसमानों और ज़मीन में कितनी ही निशानियां हैं जिन पर उनका गुज़र होता रहता है और वो उन पर ध्यान नहीं करते। वमा तकूनु फी शानिम वमा ततलू मिन्हु मिन कुरआनिम वला तअमलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन इज़ तुफीज़ूना फी वमा यअज़बु अन रब्बिका मिन मिस्क़ाल ज़र्रतिन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई वला असग़र मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। सूरा यूनुस चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 61। और तुम जिस हाल में भी हो और कुरान में से जो हिस्सा भी सुना रहे हो और तुम लोग जो काम भी करते हो हम तुम्हारे ऊपर गवाह रहते हैं जिस वक्त तुम उसमें मशगूल होते हो। और तेरे रब से ज़र्रा बराबर भी कोई चीज़ गायब नहीं, न ज़मीन में और न आसमान में और न उससे छोटी और न बड़ी, मगर वो सब एक वाज़ह किताब में है। ये जो आयत है, दो आयत पढ़ी गई, दोनों के बारे में एक सवाल पैदा होता है कि पहली आयत में यह है कि कितनी निशानियां हैं ज़मीन आसमान जिस पर गुजरते हैं, लेकिन उससे सबक नहीं लेते। तो कायनात की निशानियां जो हैं उस पर कदीम ज़माने में कौन गुजरता था? जब कुरान उतरा तो उस वक्त कौन गुजरता था कायनाती निशानियों पर? गैलेक्सी में जो है, सोलर सिस्टम में जो है, वो तो कुछ जानता भी नहीं था। तो इससे मालूम हुआ कि कुरान फ्यूचर के ज़माने बोलता है, कुरान मुस्तकबिल के ज़माने बोलता है, हाल के ज़माने में नहीं। इसका माने है कि कुरान में ये बताया जा रहा है कि कायनात में फैली हुई निशानियाँ हैं, उनको एक्सप्लोर करो। सिर्फ ये नहीं कि आसपास में जो आयतें हैं, रब्त बनल आयात से ऊपर उठो, नज़्म बनल आयात से ऊपर उठो। सारे आसमान ज़मीन में रेफरेंसेस हैं कुरान के। कुरान को समझने के लिए तुम्हारे अंदर कायनाती फ्रेमवर्क होना चाहिए। कुरान को समझने के लिए तुम्हारे अंदर कायनाती फ्रेमवर्क होना चाहिए। सिर्फ आसपास की आयतों को लेकर सोचोगे तो तुम कुरान को समझ नहीं सकते। इस तरह से छोटी और बड़ी दुनिया में छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें, उन सब तक तुम्हारी पहुँच होनी चाहिए, पहुँच। तब तुम कुरान को समझ पाओगे। ये कुरान के मुताले का एक यूनिवर्सल आउटलुक है। कुरान के मुताले का यूनिवर्सल आउटलुक है। और देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है। यह आयत आपको ये जोर दे रही है, आपके अंदर ये स्पिरिट पैदा कर रही है कि आप आगे बढ़ें, एक्सप्लोरेशन में आगे बढ़ें। आप टेलीस्कोप दरियाफ्त करें, माइस खुदबीन दरियाफ्त करें, दूरबीन दरियाफ्त करें, माइक्रोस्कोप दरियाफ्त करें, टेलीस्कोप दरियाफ्त करें। क्योंकि जब तक आप अपने मुशाहदे को बढ़ाएंगे नहीं, जब तक आप अपने मुशाहदा को बढ़ाएंगे नहीं, अपनी स्टडी को बढ़ाएंगे नहीं, कुरान के मानी आप पर नहीं खुलेंगे। क्योंकि कुरान के मानी जब गैलेक्सी में फैले हुए हैं, सोलर सिस्टम में फैले हुए हैं, पूरी यूनिवर्स में फैले हुए हैं, आपके पास जो साधन है वो सिर्फ आसपास की चीज़ों को देखने का, तो आप कैसे समझेंगे कुरान को? कुरान को समझ नहीं सकते आप। तो ये आयत जोर दे रही है कि अपने मुशाहदे की ताकत को बढ़ाओ, अपने स्टडी की ताकत को बढ़ाओ, ताकि कुरान को ज़्यादा वसी तरह समझ सको। लेकिन अजीब बात हुई कि लोग बस आसपास के जो अल्फाज हैं उसी की तहकीक करने लगे, आसपास के जो अल्फाज हैं उन्हीं की लुग़वी तहकीक, उन्हीं की नहवी तहकीक, इसी फंस कर रह गए। और जो वसीतर दायरा है उसका कुछ, यानी मुस्लिम लोगों ने उसका कुछ ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वरूना का लफ्ज़ था, समझते हैं कि जो हम गुजरते हैं उतने मतलब है। तो अल्लाह ताला ने दूसरी कौमों को खड़ा किया, जैसा कि हदीस में आता है कि अल्लाह गैर मुस्लिम कौमों को खड़ा करेगा तुम्हारी मदद के लिए। तो यही तो मतलब है कि कुरान में कहा गया था कि दूरबीन ईजाद करो, खुर्दबीन ईजाद करो, दूर की चीज़ों को स्टडी करो ताकि कुरान का मानी खुले तुम्हारे ऊपर। लेकिन मुसलमान ने नहीं किया, मुसलमानों ने सिर्फ पॉलिटिकल एक्सपेंशन में पड़े रहे। मुसलमानों का सारा ध्यान पॉलिटिकल एक्सपेंशन में था, नॉलेज एक्सपेंशन उनका कंसर्न ही नहीं था। देखिए, एक है पॉलिटिकल एक्सपेंशन, एक है नॉलेज एक्सपेंशन। तो मुसलमान पूरी तारीख में बस पॉलिटिकल एक्सपेंशन में फंसे रहे, नॉलेज एक्सपेंशन उनका कंसर्न नहीं बना। जब कुरान कह रहा है कि अपने नॉलेज को फैलाओ, क्योंकि कुरान के रेफरेंसेस सारी कायनात में फैले हुए हैं, तो कुरान की डीपर स्टडी के लिए तुमको करना पड़ेगा। कैसी अजीब बात है। मसला मैं आपको एक आयत का हवाला देता हूँ, वो 39 में आयत, वो अवलम यदीन कफरू अनुसमावत व्रत कौन रतखन फतकनाहुम, याद पढ़िए उसका तर्जुमा। अवलम यदीन कफरू अन्नस्समावाति वल अर्ज़ कानता रतखन फतकनाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य अफला युमिनून। सूरह अल-अंबिया चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 30। क्या वो लोग जो इनकार कर रहे हैं आसमान और ज़मीन को नहीं देखा कि वो दोनों मिले हुए थे, तो हमने उन दोनों को अलग किया और हर चीज़ पानी से बनाई, हर जिंदा चीज़ पानी से बनाई, क्या वो ईमान नहीं रखते? अब देखिए, रेफरेंस दिया गया है इस बात का कि ज़मीन और आसमान जुड़े हुए थे, यानी पूरी कायनात जो थी वो जुड़ी हुई थी। क्या तुमने नहीं देखा? तो कब देखा कि जब आप तहक़ीक़ करेंगे। तो मुसलमानों ने किया नहीं, तो साइंटिफिक कम्युनिटी ने किया, तो उन्होंने मुताला किया कि ज़मीन, दुनिया का जो आगाज़ हुआ है वो एक कॉस्मिक बॉल से हुआ है, जो कहते हैं बिग बैंग। बिग बैंग का हवाला है यहाँ कुरान में, क्योंकि बिग बैंग की जो थ्योरी है वो कहती है कि 13 बिलियन साल पहले सारी कायनात एक कॉस्मिक बॉल की शक्ल में थी, सारे पार्टिकल उसी के अंदर थे, फिर फटा वो, तो फटाफट सारी यूनिवर्स बनी, सोलर सिस्टम बना, पानी बना। इसका रेफरेंस दे रही कि क्या देखा है तुमने, अलम अवलम कफरू, क्या देखा नहीं? क्या देखा नहीं कि बस एक्सप्लोर करो ताकि देखो क्या दिखाने का मतलब यह है कि एक्सप्लोर करो, दूरबीन बनाओ, खुर्दबीन बनाओ, टेलीस्कोप बनाओ, माइक्रोस्कोप बनाओ, ताकि उन हकीकतों को देख सको और कुरान को ज़्यादा दूर तक समझने की ताकत तो अंदर पैदा हो। ये दावत है नेचर को एक्सप्लोर करने की। नेचर को एक्सप्लोर करो, लेकिन लोग बस आगे पीछे की आयतें, नहवी इश्कालात, लफ्जी इश्कालात, वैसे फंसे रहे। नतीजा क्या हुआ? यही था कुरान को किताब महजूर बना दिया, कुरान को अबैंडन्ड बुक बना दिया। यही तो है। बड़ी बड़ी हकीकतों से बेखबर हो गए। इसका नतीजा क्या हुआ? कुरान, इसका नतीजा हुआ कि मुसलमानों की वो नस्लें जो साइंस के दौर में पैदा हुई, जब वो कॉलेज में गई, यूनिवर्सिटी में गई, तो वहाँ जो उलूम पढ़ाया जा रहा था उनको बड़ा लगा, और कुरान में जो पढ़ाया जा रहा था मदरसों में वो छोटा लगा। नतीजा क्यों कि वो कुरान से दूर हो गए और यूनिवर्सिटी से करीब हो गए। यह है वो बात सोचने की। तो सारे कारात में बहुत से ऐसे रेफरेंसेस हैं जिनका ताल्लुक ज़मीन आसमान से है, यानी यूनिवर्स से, जो जब कुरान उतरा था तब वो डिस्कवर नहीं हुए थे। लेकिन कहा, ये उस वक्त यह दोबारा इस्तेमाल की गई कि देखो क्या अंधे हो। देखो के माने हैं ये एक्सप्लोर करो, तहकीक करो। तो क्या साइंस, कुरान ये जोर दे रहा है कि साइंसी तहकीकात करो, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इन सब चीज़ों को पढ़ो, उनकी तहकीक करो, क्योंकि इन शोबों से मुतल्लिक हकीकतें कुरान में इशारे के दौरान में थी, उसको आपको समझना था फैला करके। तो आपको चाहिए था कि आप इन उलूम में तहकीक करें, लेकिन जब मुसलमान, अल्लाह ने देखा कि मुसलमान तो इन उलूम में तहकीक नहीं कर रहे हैं, वो पीछे हो गए हैं, तो अल्लाह ने अल मगरिब को खड़ा किया और उन्होंने सारी चीज़ें दरियाफ्त की। आज जो है मॉडर्न जो साइंस है, मॉडर्न नॉलेज जो है, मॉडर्न साइंस या मॉडर्न नॉलेज कुरान की तफसीर है। लेकिन हमारे यहाँ जो नज़रिया बना कि कुरान के अल्फाज जो हैं आसपास के, बस उसी को लेकर सोचते रहते हैं, आसपास के अल्फाज। तो आसपास के अल्फाज, नावी मसाइल, ग्रामेटिकल मसाइल, इसे फंसे रहते हैं। और जो वसीतर मीनिंग है, जो यूनिवर्सल उसका जो एस्पेक्ट है, उससे बेखबर रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा को रिवाइव करने के लिए, उम्मत मुस्लिमा को रिवाइव करने के लिए जो जोशीली तकरीरें काफ़ी नहीं हैं। हमारे लोगों ने यह दरियाफ्त किया कि जोशीली तकरीरें करें, जोशीली तकरीरें करके उकसाएं। वो क्या शेर है कि नवारा तल्ख तरमीजन जो जौक नगमा कामयाबी, नवारा तल्ख तरमीजन जो जौक नगमा कामयाबी, हुदीरा तेज तरमी खां जो मामिल गराबीनी। मतलब अल्फाज के धूम। इन लोगों ने उम्मत को उठाने के लिए अल्फाज के धूम करो, रेटरिक। एक से एक बढ़ के पैदा हुए मुसलमानों में जो जोशीली अंदाज में तकरीर करते थे। हालांकि असली चीज़ ये थी कि यूनिवर्स में जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको एक्सप्लोर करो, साइंटिफिक नॉलेज उसमें विजडम मिलेगी, उसमें तुम्हें अकल मिलेगी, उसमें तुम मानी दरियाफ्त होंगे, फिर उम्मत उठेगी। तो ये इतना ज़्यादा बेखबर हो गए लोग इस बात से कि इस पर बिगिनिंग भी नहीं किया मुसलमानों ने। अल-गर्ब में सारा काम किया, सब कुछ दरियाफ्त किया, तो उनको दुश्मन बन गए। जो फारसी का एक शेर है कि न खुद खुरद न बकद है, खुद तो किया नहीं, दूसरे ने किया तो उसके दुश्मन बन गए। यानी अल मगरिब को दुश्मन इस्लाम डिक्लेयर कर दिया। मैं सोचता हूँ कि अल मगरिब ने बहुत ही बड़ा इस्लामी काम किया है। कुरान को समझने के लिए बहुत बड़ा तफसीरी काम किया है। तो मैं सोचता हूँ कि यह है वो बात जो हमको समझना चाहिए। उस आयत को फिर से पढ़िए और तो तर्जुमा दोनों आयत है। वकाय्यिम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्ज़ यमुर्रून अलैहा व हुम अन्हा मुअरिज़ून। और आसमानों और ज़मीन में कितनी ही निशानियां हैं जिन पर उनका गुजर होता रहता है और वो उन पर ध्यान नहीं करते। वमा तकूनु फी शानिम वमा ततलू मिन्हु मिन कुरआनिम वला तअमलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन इज़ तुफीज़ून फीह। वमा यअज़बु अन रब्बिका मिन मिस्क़ाल ज़र्रतिन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई वला असग़र मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। और तुम जिस हाल में भी हो और कुरान में से जो हिस्सा भी सुना रहे हो और तुम लोग जो काम भी करते हो, हम तुम्हारे ऊपर गवाह रहते हैं जिस वक्त तुम उसमें मशगूल होते हो। और तेरे रब से ज़र्रा बराबर भी कोई चीज़ गायब नहीं, न ज़मीन में और न आसमान में और न उससे छोटी और न बड़ी, मगर वो एक वाज़ह किताब में है। इसका मतलब ये है कि कुरान रेफर कर रहा है मैक्रो वर्ल्ड को भी और माइक्रो वर्ल्ड को भी। कैसी अजीब बात है, कुरान रेफर कर रहा है माइक्रो वर्ल्ड को भी माइक्रो वर्ल्ड को भी, यानी आलम असगर को भी आलम अकबर को भी, कि उसको एक्सप्लोर करो, उसको डिस्कवर करो। उसमें तुम्हें कुरान के मानी मिलेंगे जो तुम्हारे तुमको मुतहर्रिक करें। तो ये राज था उम्मत को जिंदा करने का। इसके बजाय लोग रेटरिक यानी लफाजी करने लगे। अब सारी दुनिया में ऐसे लोग पैदा हो गए जो जज्बाती तकरीरें, बड़े बड़े अल्फाज, बम्बास्टिक अल्फाज बोल बोल करके चाहते थे कि इस तरह से उम्मत को जिंदा करेंगे, लेकिन उम्मत जिंदा नहीं हुई क्योंकि वो रास्ता ही गलत था, वो रास्ता ही गलत था। बड़े बड़े अल्फाज बोलकर आप उम्मत के अंदर जिंदगी नहीं पैदा कर सकते, इम्पॉसिबल। नवारा तल्ख तरमीजन जो जौक़ नगमा कामयाबी, नवारा तल्ख तरमीजन जो जौक़ नगमा कामयाबी, हुदिरा तेज तरमी खां जो मामिल लगा बेनी। और जोर शोर के साथ बातें करो और ज़्यादा जज्बाती अंदाज की तकरीरें करो। पता ही पड़ा इससे कौन में ज़िंदगी पैदा हो सकती है। ये कोई ज़िंदगी पैदा करने का रास्ता है। इस तरह की आयतें कुरान में 100 से ज़्यादा हैं जो कायनाती निशानियों को रेफर कर रही हैं और कहते हैं कि तुम देखते नहीं। तो सवाल है कि जब हम वो साधन हमारे पास है तो हम कैसे देखेंगे? दूर की निशानियों को हम दूरबीन के बाहर कैसे देखेंगे? करीब छोटी छोटी बुद्धियाँ जो है आलम असगर को हम खुर्दबीन के जरिए कसम तक जिसको आने की ये स्प्रिट उभारी गई है, स्प्रिट उभारी गई है कि मुसलमान सिर्फ कुरान के बतन ही को सब कुछ न समझें, बस बतन में तहकीक कर रहे हैं, कुरान का जो मतन है उसी में घूम फिर करके पड़े हुए हैं। नहीं, मतन के बाहर जो दुनिया है, आलम असगर और आलम अकबर दोनों, उसमें जो हकीकतें हैं ये खुदा की पैदा की हुई दुनिया, खुदा की तख्लीक की हुई दुनिया, आलम मखलूक़ात, तो उसको दरियाफ्त करो, उसका इल्म हासिल करो, दूरबीन बनाओ, खुर्दबीन बनाओ। तो ये सोच ही नहीं पैदा हुई मुसलमानों में। जबकि ये था कि ये लोग गुजरते हैं ज़मीन आसमान के निशाने से। अब सोचने की बात है कि ज़मीन आसमान की जो निशानियाँ हैं उसमें कैसे गुजरते हैं। वो तो हम आसपास दुनिया में चलते फिरते देखते हैं, गैलेक्सी को देखते नहीं हम, सोलर सिस्टम को देखते नहीं हम। तो वहाँ गुजरने के माने क्या है, यानी उनका आलाती मुशाहदा। यहाँ जो गुजरने का लफ्ज़ है वो आलाती मुशाहदे के माने में, यानी ऐसे आलात दरियाफ्त करो, ऐसे साधन दरियाफ्त करो जिस जरिए तुम्हारी पहुँच वहाँ तक हो सके। तो अल्लाह ताला ने देखा कि मुसलमान तो कुछ कर नहीं रहे, तो दूसरी कौमों को खड़ा कर दिया। अब चाहिए था मुसलमानों को कि उनको एक्नॉलेज करें, उनका शुक्रिया अदा करें, उनका एतराफ़ करें कि जो काम हम नहीं कर सकते तो तुमने कर डाला। इसके बजाय उसको दुश्मन समझ लिया उन्होंने, उनको लड़ाई छेड़ दी, बम मारने लगे उसको। तो मैं समझता हूँ कि आखिरी वक्त आ गया है कि इस पॉलिसी को बदला जाए, दूसरी कौमों को दुश्मन समझने के बजाय उनको मोमिन समझा जाए, मोमिन मौजूद समझा जाए, मौजूद। तो 21वीं सेंचुरी में वो मैं समझता हूँ कि आखिरी वक्त आ गया है कि हम इस बात को समझें और दूसरी कौमों का के शुक्रगुजार बने, उनको एक्नॉलेज करें, ताकि मुसलमानों के मुस्तकबिल का नया चैप्टर खुले। नया चैप्टर अभी तक बंद है, अगरचे दुनिया में मॉडर्न नॉलेज आई है और सिविलाइजेशन आई है, डेवलपमेंट आया है, लेकिन ख़ुद मुसलमानों की का चैप्टर अभी तक बंद है। यहाँ अभी भी वही गन कल्चर, बम कल्चर वही बाकी है। अब तो ज़माना ख़त्म हो गया, अब तो नॉलेज का ज़माना है, अब बम का और गन का ज़माना ही नहीं है। तो मैं इसको कहा जाता है कि मिलिटेंसी, मैं समझता हूँ कि यह इसमें बेखबरी है, मुस्लिम मिलिटेंसी, इसमें मुस्लिम बेखबरी का नाम है। कोई खामखा मिलिटेंट नहीं बनता, कोई खामखा मिलिटेंट नहीं बनता, बेखबरी बना देती है। वो मॉडर्न नॉलेज क्या चीज़ है, मॉडर्न नॉलेज की ताकत क्या है और मॉडर्न नॉलेज किस तरह से इस्लाम को मौजूद है, इन बातों से बेखबर है। तो असल काम है उनकी बेखबरी को तोड़ना। आज जो काम है उसमें करने का वो लोगों की इस बेखबरी को तोड़ना है, लोगों को बाखबर बनाना है, तब उनके अंदर दूसरों के लिए हमदर्दी पैदा होगी, तब उनकी दुश्मनी का नजरिया ख़त्म होगा। तब दुनिया में उनके लिए मॉडर्न एतबार से तरक्की के दरवाजे खुलेंगे। मैं समझता हूँ कि यही वो मकाम है जहाँ मुसलमानों की तरक्की रुक गई है, और यही वो मकाम है जहाँ मुसलमानों की तरक्की दोबारा शुरू होगी। और इसकी एक बहुत ही अजीब पेश की एक और गलती निकली इससे, वो है फॉल्स प्राइड। एक और गलती फॉल्स प्राइड, यानी एक तो हम तरक्की के रास्ते में हमारा काफिला दाखिल नहीं हुआ, दूसरी तरफ यह है कि हम तो दुनिया की सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता कौम रह चुके हैं। स्पेन में, बगदाद में अभी तक बस वही सोचते हैं कि स्पेन में, बगदाद में हम दुनिया की बड़ी तरक्की हासिल कर चुके थे। ये फ्रेम है, ये फास्टफूड में जीना है। न था पल्ला किसी बुल्लत को दुनिया में ग्राम से, इस किस्म का सोच। इसको कहते हैं पैरानोइया। तो मुसलमानों का केस इस वक्त पैरानोइया का केस है, यानी फर्जी पैरानोइया केस का मतलब है यानी फॉल्स ग्लोरी में जीना, FALSE फॉल्स ग्लोरी में जीना। कैसी अजीब बात है कि ग्लोरी भी नहीं है, लेकिन अब समझते हैं कि हमको ग्लोरी हासिल है। इसको कहते हैं फॉल्स ग्लोरी। और उसी की वजह से दावत का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि मुसलमान जो है दूसरे कौमों को अपने दुश्मन समझ बैठे हैं, दुश्मन। तो जब आप किसी को दुश्मन समझें तो आपके अंदर दावत का जज्बा ही पैदा नहीं होगा। दावत का जज्बा पैदा होने की जरूरत है कि मधु के लिए आपके दिल में खारखाई हो। इन्नी लकुम नासे। जब तक मधु के लिए आपके दिल में खारखाई ना हो, दावत का जज्बा पैदा नहीं होगा। तो इस पूरे मामले में ज़रूरत है कि नरसानी की जाए, इस पूरे मामले को फिर से समझा जाए, इस पूरे मामले पर नरसानी की जाए, अपनी रीप्लानिंग की जाए। रीप्लानिंग के बगैर कोई नया दौर शुरू होने वाला नहीं है। यह है मेरे जो मैंने समझा है उसका खुलासा। और देखिए, कुरान को भी उस वक्त तक आप सही तौर पर समझेंगे नहीं जब तक आप नए दौर में दाखिल नहीं होंगे, मॉडर्न नॉलेज को हासिल नहीं करेंगे, जदीद साइंस का मुताला नहीं करेंगे, तब तक आप पर दरवाजे बंद रहेंगे। फिर भी आप फॉल्स ग्लोरी में फंसे रहेंगे। ये बहुत सीरियस बात है, ये कोई सिंपल बात नहीं। तो आज मुझे यही पैगाम देना था जो कुरान से निकलता है कि कुरान के मुताबिक से मालूम होता है कि अल्लाह को जो इल्म देना था इंसान को वो एक मतन की सूरत में, टेक्स्ट की सूरत में कुरान में उतार दिया गया, लेकिन उसकी डिटेल, उसकी तफसील वो खुदा की क्रिएशन में मौजूद है। उसको क्रिएशन के मुताले करके समझा जा सकता है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम इन बातों को समझें। ये बातें जो कुरान में इशारे की ज़बान में कही हैं, उसको तफसील की ज़बान में दरियाफ्त करें, ताकि हम मिल्लत के काफ़िले को इस राह पर गामगन करने में मामून हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। Okay, before we start with our regular question, answer and comment section, I want to share with all of you that today with us we have Mr. Khaja Kalimuddin Saab from USA, who was visiting Delhi. And as we all know that his association with this mission dates more than a couple of decades. He has been associated with this mission. Khaja Kalimuddin Saab was also the person who started the Quran distribution process in US. His enthusiasm and passion to distribute Quran was so much that whenever he would visit the local post office, they would greet him with the expression saying, "Here comes the Quran man." He's always inspired us with his dedication and sincerity for this mission, and since he happens to be here, we all want to benefit from his experience. So with this, I would request Khaja Kalimuddin Saab to come here and share his dawah journey, some of his experience with all of us. Khaja Kalimuddin Saab. Assalamu alaikum. मुझसे कहा गया है कि हम किस तरह कुरान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यूएसए में। मैं ये कुछ शेयर करूंगा। 2009 में जब पहली दफ़ा कुरान पब्लिश हुआ, मैं दिल्ली विज़िट कर रहा था अपने बच्चों के साथ, तो शिमला जाना हुआ। तो जब शिमला जा रहा था, डॉक्टर सानिया हुसैन ख़ान साहब ने एक बॉक्स कुरान का दिया कि भाई वहाँ आप तकसीम करें। तो साथ में कुरान ले गया, और एक हेजिटेशन सा था कि भाई कैसे कुरान लोगों के हाथ में दिया जाए, देना, कि ये बहुत बड़ा हेजिटेशन था। तो समहाउ एक दिन गुजरने के बाद उस हेजिटेशन को तोड़ा मैंने। फिर वो वहाँ जहाँ पर बहुत सारे सरदारजियों की दुकानें थीं, तो जब मैंने कुरान दुकान जाकर देने लगा, तो बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उन सरदारजियों ने लिया। तो ये पहला तजुर्बा था जिससे मेरा थोड़ा सा हेजिटेशन टूट गया कि भाई देने में कोई ऐसी बात नहीं है, लोग लेते हैं। फिर इसके बाद हैदराबाद जाना हुआ उसी वक्त, और हैदराबाद जाते हुए भी एक बॉक्स मैं वहाँ ले गया, और वहाँ हम मदीना एजुकेशन सोसाइटी के आरिफुद्दीन साहब के यहाँ ठहरे थे हम। और मेरा बेटा भी साथ में था, तो उन्होंने उनका लेक्चर अरेंज किया एक लेक्चर हॉल में। तो वो तो अंदर था, मैं बाहर डोर पे ठहरा। अब फिर जो है वो जो बॉक्स डॉक्टर साहब ने दिया वो सब जो है मैंने तकसीम किया वहाँ पर। इसके बाद हम फिर वापस यूएसए चले गए। यूएसए में फिर कुरान मंगवाया। पहली दफ़ा सिर्फ 2000 का ही कंसाइनमेंट था। और जब हम और फायक मेरे कलीग जो है वहाँ बेंसेलम में होते थे फायक साहब, तो हमने दोनों डिसाइड किया कि भाई हम ये कुरान जो है चर्चेस में जाके शेयर करते हैं। तो हम एक बहुत बड़ी चर्च है हमारे लोकेलिटी में, उस वहाँ के फादर से मिले हम। हमने कहा कि भाई संडे सर्विस के वक्त जो है हम टेबल लगाएंगे बाहर, कुरान का हम शेयर करेंगे लोगों से। तो उसने बड़ी खुशी से कहा आप लगाइए, कोई बात नहीं। तो हमने बाहर टेबल लगाया कुरान का। तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसको लिया। तो इसी तरह हम फिर हमें हिम्मत हुई, और फिर डॉक्टर अनीस साहब भी थे और फायक, हम तीनों मिल कर के फिर सिनेगाग भी गए, और कुछ पीस सेंटर्स हैं वहाँ, पीस ऑर्गेनाइजेशंस, उनसे फिर हमने रब्त कायम किया। फिर उनसे यही तरीक़ा इख्तियार किया कि हम टेबल लगाए, तो बड़ा इंकरेजमेंट हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो है फिर हमने इस्लामिक सेंटर्स। खैर डॉक्टर अनीस साहब तो इसमें बहुत आगे रहे क्योंकि वो ख़ुद डॉक्टर थे, तो उन्होंने बहुत से हॉस्पिटल्स में कुरान रखवाया। और इसी तरह कुछ और लोगों ने जो ऑलरेडी प्रिजन में जो है वो कुरान तकसीम कर रहे थे, तो वो हमसे लेते। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो कास्ट प्राइस पे हम कुरान देते हैं वो थ्रू आउट वर्ल्ड समझिए कहीं भी इतनी इनएक्सपेंसिव कुरान अवेलेबल नहीं है। वहाँ अमेरिकन डॉलर की प्राइस में डॉलर के 2 कापी, तो बड़ा ताज्जुब होता है उनका, अरे 2 कापी $1 के, जी हाँ। तो वो ले जाते हैं हमसे। और जब भी प्रिजन से हमें रिक्वेस्ट आती है तो हम वो फौरी जो है फ्री जो है जितने चाहे उनको कुरान और लिटरेचर मेल करते हैं। और इसके बाद यहाँ CPS दिल्ली वालों ने फिर वो ऑनलाइन रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना का इंतज़ाम किया। तो प्रिजन को पहुँचाने में जी कोई रुकावट नहीं है? नहीं, कोई रुकावट नहीं है, एक्सेप्ट ये कि वो पेपर बैक हो, और हमारी कुरान पेपर बैक ही है, वो हार्ड कवर ना हो। जी हाँ। तो फिर उस नेक्स्ट लेवल हमने ये शुरू किया कि अरे ये बात कह रहा था मैं, CPS वालों ने जो ऑनलाइन फ्री कुरान का रिक्वेस्ट जो है USA और कनाडा का जो है हमें फॉरवर्ड करने लगे। तो वो उसका इतना बढ़ गया है कि वीकली जो है 50 to 70 कुरान की रिक्वेस्ट आती है। और इसी तरह कनाडा के जो है 5-10 इस तरह जो है उनकी भी आती है। तो वो हम इंडिविजुअली जो है मेल करने लगे। फिर उसके बाद फिर मैंने डिफरेंट इस्लामिक, वहाँ एक ट्रेंड शुरू हो गया कि नोइंग ईच अदर, नेबरहुड जो है जहाँ मस्जिदें बन रही हैं, क्योंकि वहाँ मस्जिदें बहुत बन रही हैं, तो मुसलमानों को ख़दशा हुआ कि भाई कोई कहीं रिएक्शन ना हो जाए। तो अब उन्होंने अपने मस्जिद के डोर्स खोल दिए मोहल्ले वालों के लिए कि फैमिलियराइजेशन नेबरहुड। तो उन्होंने लोग उनको इनवाइट किया कि जो है आप हम मस्जिद आएँ और देखें। तो जब वो आते हैं तो कुरान का लिटरेचर, कुरान और लिटरेचर और उनको जो है सामने फिर कुछ एक्सप्लेन भी करते हैं, वो भी शेयर करते हैं, हम भी शेयर करते हैं। तो इस तरह ये ट्रेंड थ्रू आउट अमेरिका होने लगा। तो तब हमने मुख्तलिफ इस्लामिक सेंटर्स को कांटेक्ट किया। हमने कहा भाई हमारे साथ कुरान अवेलेबल है और वो बिल्कुल कास्ट प्राइस पे है। तो उनको इस तरह इतना वो मिलता नहीं है तो फिर हमसे मंगवाते हैं। और इस वो ये इतना तेज़ी से चल रहा है कि अब कुरान को जो है वो तो कंटेनर में मंगाना पड़ता है। और अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने बेसमेंट और गराज में इतनी जगह दी है कि वो कंटेनर क्या 2-3 कंटेनर आ जाएंगे उसमें। तो फिर उसके बाद पूरा पूरा कंटेनर जी अभी काफ़ी सारी जगह है, बस इतना है कि मसल पावर चाहिए ऊपर नीचे ले जाने के लिए। फिर नेक्स्ट लेवल ये हुआ कि बहुत सारे दूसरे CPS की टीम जुड़ती गई टेक्सास में, फ्लोरिडा में और मिशिगन में। ये इंडिविजुअल अफराद जो हैं कुछ डायरेक्टली CPS USA से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग फ्रेंडशिप समझिए या उनका अपना दावत का काम है और ये बड़े पैमाने पे करते हैं। तो वो लोग जो हैं हमसे कुरान लेते हैं और वहाँ अमेरिका में ये तो ट्रेडिशन है, हर सीज़न में एक किस्म का फेस्टिवल होता है। कभी आर्ट फेस्टिवल होता है, कोई कल्चरल फेस्टिवल होता है, कभी जो है किसी काउंटी का टाउनशिप की जो है टाउनशिप प्राइड डे करके जो है वो होता है। तो उसमें ये लोग जो है कुरान को तकसीम करने लगे। वहाँ ओपनली कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जब आप जाके पूछें कि भाई हम क्या यहाँ टेबल लगाएं, वो कहते हैं बिल्कुल लगाएं। तो अभी मिशिगन में मैं तो कहूँगा कि मिशिगन नंबर 1 है कुरान, मिशिगन स्टेट जहाँ कुरान तकसीम होता है। वो तो जो है 10-15-20 हज़ार जो है कुरान एक साथ मंगवाते हैं। और अभी 19 जुलाई को एक फेस्टिवल हो रहा है ओहायो स्टेट में, कोलंबस ओहायो में। वहाँ के लिए कुरान अभी यहीं से गया, मैं यहाँ था, इतला मिली तो यहाँ से शिप करवाया, तो अभी वो उनको पहुँच गया है। तो 19 जुलाई को फेस्टिवल है। तो अब ये एक कुछ लोगों में एंथुसियाज्म हुआ है और कुछ हजरात ऐसे हैं, डॉक्टर साहबान एक फ्लोरिडा के हैं, एक कैलिफोर्निया में होते हैं। तो वो लोग जो हैं वो ख़ुद तो जो है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। जो लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो उनके लिए जो है मुझसे कहकर वो शिप करवाते हैं। ये एक तरीक़ा है। तो दूसरे मानों में ये काम बहुत आगे बढ़ा है और इसके लिए यही तरीक़ा यहाँ भी इख्तियार किया जा सकता है। यहाँ भी जो है बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। कुरान को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ओवर द टाइम शायद इंटरेस्ट फीका पड़ने लगे। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि जो है अल-रिसाला मंथली जो आता है उसको मुसलसल 2-3 बार पढ़ा जाए और लोगों तक ले जाया जाए। तो जितना जो है मौलाना का लिटरेचर जो कि बिल्कुल जिसमें पूरी क्लैरिटी है, आदमी जब पढ़ता है तो उसको समझ में आता है कि जो है ये मेरी दिल की बात है। यही समझता था मैं कि जो है यूँ होना चाहिए, इस्लाम ये है, पीसफुल मजहब है, और इसमें यानी डिस्कवरी ऑफ गॉड पे जोर दिया जाता है, इस पर क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड को समझने की जो है तरगीब दी जाती है। और जब अल-रिसाला पढ़िए आप तो इसमें कुरान और हदीस की तशरीह के अलावा और कोई दूसरी चीज़ नहीं है, यानी कोई मन घड़त बात नहीं है। उसी चीज़ को जो कुरान और हदीस है उसको आज की ज़बान में, आज के इंसान को समझ में आने वाली ज़बान में उसको समझाया जाता है। तो इसको जितना पढ़ते रहेंगे, लिटरेचर, मौलाना का लिटरेचर जितना पढ़ते रहेंगे और रिसाला जितना जो है गहराई के साथ पढ़ते रहेंगे, उतना कुरान डिस्ट्रीब्यूशन का पैशन बाकी रहेगा। वरना नहीं तो ओवर द टाइम फिर हो सकता है वो फीका पड़ जाए। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। ये पिछली वाली बात क्या कही आपने कि हमें कुरान डिस्ट्रीब्यूशन का पैशन बाकी रखने के लिए अल-रिसाला और लिटरेचर उसको मुसलसल पढ़ते रहना चाहिए। जब भी आप फ्री टाइम मिले, आइदर प्रिंट मीडिया के थ्रू या ऑडियोस जो है उसके, आप काम करते हुए भी, घर पे ख़वातीन है, अगर घर का काम है तो ऑन कर दिया, आप काम करते रहें, तवज्जो पूरी तकरीर की तरफ होगी और आपका काम चलता रहेगा। जब मैं ड्राइविंग पे जाता हूँ तो हमेशा जैसे ही गाड़ी ऑन होती है मौलाना की कोई ना कोई स्पीच जो है चलने लगती है। और वहाँ इसकी बड़ी सहूलत है, इसलिए कि ये ट्रैफिक का इतना शोर नहीं है, वहाँ स्मूथ ट्रैफिक जाती है, कोई हॉर्न बजाता नहीं है और शीशे उठे हुए होते हैं, तो मुतलक जो है डिस्टर्बेंस नहीं है। तो मैं तो ख़ुद तो करता हूँ, यानी बाज़ दफ़े जो है साथ में अगर बेगम होती तो कभी बोलता है ये 24 आवर्स क्या है और कुछ लगाइए। तो बहरहाल तो गाड़ी जो है जी, जब आप चलाएंगे जी तो आवाज़ होगी, उस आवाज़ पर कोई पाबंदी नहीं? नहीं, कोई मतलब आवाज़ बाहर से नहीं आती। अच्छा, जो आवाज़ आती है तो यहीं के हार्न की आवाज़ आती है जो बाहर से अब आवाज़ आ रही है, उसके अलावा और कोई दूसरी आवाज़ नहीं होती। अच्छा, इसलिए फ़ोन पे भी जो है आसानी से हम बात कर सकते हैं। अब तो ब्लूटूथ आ गया है, वो स्पीकर पे और माइक भी है। तो कई दफ़ा डॉक्टर साहब से मेरी बातचीत, मैं मौका उसी वक्त स्कूल जाते वक्त ही निकालता हूँ क्योंकि टाइम बचता है, तो ड्राइव करते हुए ही बात करता हूँ मैं। तो अगर बात किसी से नहीं करनी है तो फिर स्पीच चलती है। तो राजिया ने रिक्वेस्ट किया कि भाई उर्दू कुरान जो है, सॉरी उर्दू किताबों को जो है रिकॉर्ड करिए, उनको बहुत फ़ायदा पहुंचा है। तो मैं कहूँगा कि भाई दुआ करें वक्त निकले तो इंशाल्लाह वो भी होगा। अस्सलाम वालेकुम। So Kaleem Saab, there is a question. While you were giving your experience, you're sharing your experience with everyone, there is a question that has come on the Facebook. It has been sent by Ms. Shabana Ansari from Pakistan. And she wants to know from you that how has been your experience in terms of interaction with Americans by Talif-e-Qalb. So anything that you can share with us, how Americans receive your message, any particular experience that you want to share with all of us, which gives us insight in terms of the methodology that you adopt, or when you give out Quran, is there a bad experience that you've had so far? तो ये बताने से पहले मैं सबसे पहले शबाना अंसारी के ताल्लुक़ से कुछ कहूँगा। ये इनके ताल्लुक़ से मुझे बहुत रिस्पेक्ट है। इन्होंने जब, ये तो पहले से अल-रिसाला पढ़ती हैं, तो तब जब उन्होंने अल-रिसाला में मेरा नाम पढ़ा, मौलाना यूएस से आए थे और उन्होंने पढ़ा, तो उनकी बहन यूएसए में होती है, उन्होंने उनको इंस्ट्रक्ट किया कि जो है ये कलीम साहब को ट्रैक करें, आप कहाँ हैं ये उनको ट्रैक करें और उनसे ताल्लुक़ पैदा करें। और फिर जो है रिसाला उनको पाकिस्तान में मिलता नहीं था, तो सब्सक्राइब करने के लिए कहें, तो सब्सक्रिप्शन भी हुआ। और इनके पैशन को और देखिए कि इन्होंने यानी उसके बाद हर साल जो है वो $200 डोनेशन भेजती रहीं। पाकिस्तान में रहते हुए भी इन्होंने ये काम किया इन्होंने। तो अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे और इनको सारे खुशियाँ और कामयाबियाँ हियर और हियर आफ्टर दे। और इनका जहाँ तक सवाल है, ये तो वेस्टर्न कल्चर का अखलाक हैं कि वो किसी चीज़ को जो है इनकार नहीं करते। उनमें तजस्सुस है कि वो हर चीज़ को पढ़ें, और अगर ना भी पढ़ें तो वो आपके सामने कभी भी वो बुरी बात नहीं कहते। आम आदमी आप वो लेंगे, आपको अच्छे कलमात बोलेंगे, मुस्कराएंगे। और बाज़ लोग अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि वो पढ़ें, लेकिन वो बड़ी खुश अखलाक़ी से लेते हैं। और कुछ वहाँ का कल्चर है यही बात नहीं, कोई भी बात को वो आपको आपके डिस्करेज नहीं करते किसी चीज़ को, अनलेस के वो वायलेंस हो। वो हर पीसफुल चीज़ की जो है वो प्रमोट करते हैं। माशाल्लाह जी। चंद अफराद होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, जिनको बुरा तजुर्बा हुआ है। और एक तो मीडिया की वजह से, और बाज़ जो हैं क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो वो फार्म हुए हैं मुखालिफत के लिए। तो वो लोग जो हैं, एक दफ़ा कैलिफोर्निया से किसी ने ईमेल भेजा था, जब उसको कुरान कहाँ से मिला नहीं मालूम, हमारा ही था। तो उसको पढ़ के कहा कि भाई इतने वायलेंट कुरान को जो है आपने ऐसे पीसफुल कैसे बना दिया। वो कह रहा था कि वायलेंट कुरान को पीसफुल कैसे बना दिया। उसमें एक एग्ज़ाम्पल, वो जो सऊदी से कुरान छपी थी वो मुझे पढ़ के सुनाया। ऑलरेडी आप लोग हमें जो है मगजूब और दाल समझते हैं, तो हम इस कुरान को पढ़े क्यों, और आपने इस कुरान में से इसको निकाल क्यों दिया। तो इस तरह के सवाल उसने ईमेल भेजा। और जब हम यूटा में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स जब हम सब वो कर रहे थे, तो एक आदमी मुसलसल जो है वो मुझसे बहस करने लगा एक दिन। फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट करके उसको कुरान ले जाने के लिए कहा, तो वो ले गया। वो दूसरे दिन आके कहता है, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। उसने कहा क्या समथिंग डिफरेंट, आई नेवर थॉट इट इज़ डायरेक्टली टॉकिंग टू मी। कुरान इज़ डायरेक्टली टॉकिंग टू मी। और ये सही बात है कि मैंने भी इसको ये जुमला छापी जी है, तो कुरान पढ़कर ऐसा कहा उसने। और ये सही भी बात है। वो ख़ुद भी जो है जब बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में एक स्ट्रेट लेसन डिराइव करना मुश्किल होता है। उसमें कहानियाँ ही कहानियाँ हैं, सब कहानी के अंदाज में है, A to Z। मैंने भी पढ़ा है, तो वो बात नहीं आती जो कुरान में है। तो उसने वो आकर के एतराफ़ भी किया। Okay, thank you Kaleem Saab for sharing your experience. In fact, there are many comments that are coming thanking you for sharing your experience. Tariq Badr Saab ne likha hai ki Kaleem Saab rightly said that we should read Maulana's literature and Al-Risala continuously. It gives energy and will keep you motivated for Quran distribution. Jazakallah. अब्दुल रऊफ खतीब साहब ने भी लिखा है कि ख्वाजा साहब, वेरी नाइस टू लिसन टू यू, थैंक्स फॉर शेयरिंग विद अस योर दावा एक्टिविटीज़ इन USA. So I will now start with the comments and question answer session. मौलाना सबसे पहले comments लेते हैं। मौलाना इकबाल उमरी ने चेन्नई से लिखा है, मौलाना कुरान कायनात पर गौर करने की दावत देता है, मगर हम अल्फाज और बलागत के नुक्तों में फंसे रहे। मिस शबाना अंसारी ने पाकिस्तान से लिखा है, मौलाना साहब यू सेड दैट इट इज साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन व्हिच गिव्स अस द डेटा फॉर लव ऑफ अल्लाह। बिफोर मॉडर्न नॉलेज इट वाज नॉट अवेलेबल, सो वी शुड बी वेरी थैंकफुल दैट इट मेड अस मोर Close to Allah। ये किसने कहा? मिस शबाना अंसारी ने। मिस्टर अजहर रिजवी ने लिखा है कराची पाकिस्तान से, माइंड साइंसेज आर इम्प्रूविंग आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन लर्निंग। न्यू एवेन्यूज आर बीइंग डेवलप्ड टू इम्पार्ट नॉलेज। वी मस्ट एक्सप्लोर एंड इनकॉर्पोरेट इन टीचिंग्स ऑफ कुरान साइंसेज एंड आर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डॉक्टर नगमा सिद्दीकी ने दिल्ली से लिखा है, टुडे आई लर्नड अबाउट द रोल द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज परफॉर्म्ड। वी एज मुस्लिम्स शुड रियलाइज दैट एंड बिकम देयर वेल विशर्स एंड परफॉर्म दावा। फर्दर वी शुड यूज द साइंटिफिक नॉलेज टू अंडरस्टैंड द कुरान एंड शेयर विद अदर्स। मौलाना अब सवाल लेते हैं। मौलाना इकबाल उमरी ने चेन्नई से आपसे सवाल किया है। उन्होंने लिखा है, मौलाना मुसलमानों को क्या करना है? अहले मगरिब का एतराफ़ करना है और सिर्फ उन्हें कॉपी करना है? नया चैप्टर खोलने का मतलब क्या है? इसकी वजाहत करें। मैं तो समझता हूँ कि इसका मतलब है कि मगरिब से नेगेटिव थिंकिंग ख़त्म करना और पॉजिटिव थिंकिंग शुरू करना। मौलाना अगला सवाल भेजा है मिस शबाना अंसारी ने पाकिस्तान से। उन्होंने लिखा है, मौलाना सम उलेमा से दैट कुरान डज नॉट नीड साइंटिफिक प्रूफ and therefore why should we use science? My question is this the right attitude? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। कुरान, अगर इसका ताल्लुक कुरान से नहीं है तो इसे रेफरेंस क्यों है कि देखो क्यों कहा कुरान में? ये तो बिल्कुल एक बेसलेस बात है। कुरान खुद कह रहा है कि देखो देखो देखो। हमने खुद उसको नहीं डिस्कवर किया, उन्होंने डिस्कवर किया तो उनको लेकर देखेंगे हम। बस टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप हमने नहीं डिस्कवर किया। और कुरान कहता है कि कायनात में छोटी चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें हैं, यानी माइक्रो वर्ल्ड भी है और माइक्रो वर्ल्ड भी है। तो उसको हमने कोई दरियाफ्त नहीं किया, हम कैसे जाने? तो अगर उन्होंने जाने दरियाफ्त किया तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे। इसमें इस्तेमाल करने में क्या है? ये सोच बिल्कुल गलत है, बेसलेस है। मौलाना अगला सवाल मुंबई से आया है, जावेद हयात साहब ने किया है। उन्होंने लिखा है, मौलाना आपका ये कहना कि कायनात की रिसर्च का ताल्लुक से मुसलमानों में बिगिनिंग तक नहीं हुई, क्या कुरान का अव्वल मुकातिब गिरोह भी इससे बेखबर रहा? इसके बारे में बताएं। भैया आप क्या क्या क्यों कहते हैं? आप मुझे मिसाल दीजिए, सवाल क्यों करते हैं मुझसे? आप नहीं मानते, आप मिसाल दीजिए। मेरी बात को आप नहीं मानते तो आप मिसाल दीजिए। मेरी बात तो मिसाल है कि कुरान में मिसाल के तौर पर है कि यानी वो आयत पढ़ी था, वो फिरौन की लाश बाकी रहेगी। हाँ, तो तर्जुमा पढ़िए। बस आज हम तुम्हारे बदन को, तुम्हारी बॉडी को बचा कर रखेंगे ताकि ये तुम्हारे बाद वालों के लिए निशानी हो। अब देखिए कि बाद वालों के लिए निशानी, तो ये निशानी कब जाहिर हुई? ना उमैयद पीरियड में, ना अब्बासिद पीरियड में, ना ऑटोमन पीरियड में। ये तो जाहिर हुई मुस्लिम पीरियड के खात्मे के बाद। कुछ फ्रांस के और जर्मनी के कुछ रिसर्चर्स ने, वो गए वहाँ पर कायरा, वहाँ बहुत दिनों तक उन्होंने तहक़ीक़ की, तो उन्होंने ऐलान किया कि यहाँ मौजूद है। ये तो वाक़या है, कैसे इनकार करेगा उसका? मौलाना, अगला सवाल भेजा है तारिक बदर साहब ने पाकिस्तान से। उन्होंने लिखा है, मौलाना साहब, इन लाइफ वी ऑल्सो कम अक्रॉस सिंपल पीपल हु आर नॉट वेरी एजुकेटेड। मौलाना साहब, व्हाट डू यू थिंक इज द मिनिमम इस्लाम दैट वी कैन एक्सप्लेन टू सच पीपल? व्हाट इज योर गाइडेंस ऑन दिस? भाई, आप उनकी सादा अंदाज में बताइए उनको बातें, सादा अंदाज में कुरान का तर्जुमा दीजिए, सादा अंदाज में बताइए। मसल देखिए, जमीयत उलमा की किताब है वो दीन तालीम का रिसाला, मौला मौदी की किताब बहुत अच्छी किताब है, रिसाला दरियात, सादा समझने के लिए तो उसको इस्तेमाल कीजिए। और जो पढ़ा लिखा आदमी हो उसको इल्मी अंदाज में बताइए। तो किसी साहब ने कहा है कि कल्लम नास अला कद्र अक़ूलिहिम, मौलाना अगला सवाल आमिर मौरी साहब ने किया है श्रीनगर से। उन्होंने लिखा है, हाउ कैन अ कॉमन पर्सन डेवलप साइंटिफिक टेम्पर टू अंडरस्टैंड कुरानिक मीनिंग in the larger perspective? मौलाना साहब, प्लीज गाइड अस इन दिस रिगार्ड। भाई, ये तो बहुत आसान है। ऊंचा एकेडमिक जो लेवल है वो उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा गहरा मुताला करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पॉपुलर साइंस में सारी किताबें हर जबान में, पॉपुलर साइंस में हर जबान में किताबें मौजूद है, वो सब पढ़ें। वो तो हर आदमी पढ़ के समझ लेता है, वो उर्दू में, हिंदी में, हर ज़बान में है। मौलाना, अगला सवाल शहजाद अहमद साहब ने किया है कराची पाकिस्तान से। उन्होंने आपसे पूछा है कि हर चीज़ पर्चाए इम्तिहान है, तो क्या अल्लाह की मारिफत भी पर्चाए इम्तिहान है? इसके बारे में बताएं। पर्चे इम्तहान क्यों कहते हैं? आप ये कही कि यानी ईमान के इर्तिका उसके बगैर नहीं हो सकता, ये कहिए। मार्फत के बगैर ईमान का इर्तिका नहीं हो सकता, ये वो कहिए। मौलाना, अगला सवाल किया है शफी अहमद साहब ने मेरठ से। उन्होंने लिखा है, मौलाना, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द फॉर्मूला टू कीप आवरसेल्व्स ऑन द स्ट्रेट पाथ ऑल द टाइम? इसके बारे में बताएं। ऑल द टाइम तो हो नहीं सकता, सहाबा के भी नहीं हो सकता, बुलाकर हंजला आयान रसूल ने फरमाया था। ये कोई म्यार नहीं कि आप हर लम्हा, हर सेकंड, 24 घंटे आप आला दर्जे पर रहें। ऊँच नीच रहेगा, ऊँच नीच से कोई फर्क नहीं पड़ता। सहाबा का भी ऊँच नीच होता था, ये हदीस में साबित है। बुलाकर या हंजला सातन व सातन, क्या मतलब हुआ इसका? कभी ये कभी वो, कभी वो कभी वो, कभी कब्ज कभी मस्त। तो ये तो फितरी बात है, इसमें कोई कमजोरी की बात नहीं है। मौलाना अगला सवाल लेने से पहले कमेंट पढ़ना चाहेंगे जो असद परवेज साहब ने भेजा है दिल्ली से। उन्होंने लिखा है The universe is like a huge database of signs and our minds are like spiritual computers. It is like a spiritual search engine. We find the keywords in the Quran to use our minds and extract marifat and wisdom from the universe. बहुत सही कहा इन्होंने, बहुत सही कहा। मौलाना अगला सवाल पुणे से किया है। इस पर मैं सारे एक सफ़े का मजमून लिखूंगा, फिलहाल ये इंग्लिश जो है इनकी वो हम नकल कर दीजिए जी। मौलाना अगला सवाल पुणे से भेजा है फारूक अहमद साहब ने। उन्होंने लिखा है मौलाना आई हैव बीन फॉलोइंग योर टॉक्स एंड इट हैज चेंज्ड माई लाइफ. My question is, whenever I try to contemplate, lot of non-relevant thoughts come into my mind. As a result, I get distracted and I am unable to do contemplation or reflection. Please advise what should I do so I can contemplate or ponder the way you want us to do. How can I get focused in life and save myself from these non-relevant thoughts? नहीं, इससे कोई ये कोई कमी की बात नहीं है। दोनों थॉट आएंगे, ये परपेचुअल वो बैटल रहता बिटवीन टू फोर्सेस हर इंसान के मन में। खुद रसूलुल्लाह के अंदर भी रहता था। वो क्या हदीस है सब पढ़ती तो कि मेरे मान लेगान क्या है, हाँ उसको तर्जुमा पढ़ दीजिए। मेरे कल पर भी कुछ असरात आते हैं। हाँ देखिए रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि ये तो इसको एक परपेचुअल बैटरी रहती है दोनों फोर्सेस के बीच में, और उससे इर्तिका होता है। यानी परपेचुअल बैटरी बिटवीन evil forces and good forces जी। हाँ तो ये तो नेचर है, ये जारी रहेगा। इसी से तरक्की होती है, इसी से पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। मौलाना अगला सवाल बिहार से किया है कुसेब रजा साहब ने। उन्होंने लिखा है कि क्या आज मुसलमानों में स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी ख़त्म होने की वजह से साइंस की तहकीक भी ख़त्म हो गई है? इसकी वजाहत करें। अब बात तो ठीक लगती है मुझे, मुसलमानों में स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी मेरे तो खास है ही नहीं, या तो मुखालिफ बन जाते हैं या मुआफ़ हो जाते हैं, किसी के खिलाफ बोलते हैं या किसी को माफूज बोलते हैं, किसी को तो वो इसी चीज को कहते हैं स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। वो शायद मुसलमानों में सही तौर पर है नहीं, उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। मौलाना दो कमेंट पढ़ना चाहेंगे। पहला कमेंट भेजा है मौलाना याकूब उमरी ने। उन्होंने लिखा है मौलाना द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज एक्सपेंशन यू डिस्क्राइब्ड आई हैव नेवर हर्ड और रेड अबाउट इट बिफोर. मुस्लिम्स इन हिस्ट्री हैव फोकस्ड ऑन द पॉलिटिकल एक्सपेंशन रादर देन नॉलेज एक्सपेंशन. दिस इज ऑल्सो अ ट्रेजेडी दैट नाउअडेज Muslims could not identify those who did knowledge expansion. Maulana Sahib, you are so true. सही, जज़ाकुमुल्लाह। मौलाना अगला कमेंट भेजा है नसीर सुन्ना साहब ने तिम्मापुर से। उन्होंने लिखा है मौलाना साहब मैंने एक कंपनी में एक हिंदू सेल्समैन को कन्नड़ा का कुरान दिया तो उन्होंने बहुत खुशी से लिया। फिर वो मुझे दोबारा मिले तो उन्होंने कहा कि आपने जो कुरान दिया है वो बहुत अच्छा है, मैं उसे रोज़ाना सोने से पहले आधा घंटा पढ़ के सोता हूँ, कहकर शुक्रिया अदा किया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मौलाना अगला सवाल किया है अब्दुल रऊफ खतीब साहब ने चिपलून से। उन्होंने लिखा है, मौलाना व्हाट इज द साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग and what is the impact of such type of thinking on society? Please explain this. रिसाला का हमने एक नंबर छापा था, वो था आर्ट ऑफ थिंकिंग पर। आर्ट ऑफ थिंकिंग अगर वो मिल जाए तो उसको पढ़ लीजिए, मिल जाए क्या वो आप उसमें मिल जाएगा आपको इंटरनेट पर, पूरा शुमारा एक था इसी पर, आर्ट ऑफ थिंकिंग पर। कैसा वो तो होगा रे, हाँ आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। ओके, सो वी विल एंड टुडे सेशन, थैंक यू।